श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण झिझक नहीं करनी चाहिए। प्यारे का नाम लेने में भले थोड़े बेशरम हो जाना चाहिए और प्यारे का नाम दिल खोल के लेना चाहिए, मस्ती आ जाए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
मेरी नस नस में बसा, मेरे मन में यूं रमा, मेरी नस नस में बसा, मेरे मन में यूं रमा, मेरी नस नस में बसा, मेरे मन में यूं रमा, सांवरिया रे सांवरिया रे। बीतना एक दिन, बीतना एक दिन तेरी याद के बिना, हो 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 हो, मेरी नस नस में बसा, मेरी नस नस में बसा, मेरे मन में यूं रमा, सांवरिया रे सांवरिया रे। बीतना एक दिन, बीतना एक दिन तेरी याद के बिना, हो दिन।
देंगे। ओ हो हो एक बार फिर से। ओ हो हो मेरी नस नस में बसा, प्राण का, इंद्रियों का, शरीर का आधार अधिष्ठान कृष्ण है। जब मैं कृष्ण कह रही हूँ तो उसका अर्थ है सच्चिदानंद पर ब्रह्म आधार अधिष्ठान। तो चैतन्य के बगैर ये प्रकृति कार्य नहीं कर सकती, ऐसे समझिए। जो शरीर में प्राण न हो तो शरीर जीवित नहीं। प्राण को कौन चलाता है कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आदमी इतना बिजी है कमाने खाने में कि उसको यही नहीं खोज खबर होती
कि जिस शक्ति से उसके शरीर में श्वास चल रही है वह प्राण शक्ति किसकी वजह से काम कर रही है, और वो शक्ति जिस दिन काम करनी बंद कर गई उस दिन तुम्हारे फेफड़ों में सांस जाएगी ही नहीं, और जब फेफड़ों में सांस जाती नहीं, दिल धड़कना बंद कर दे, नाड़ी चलनी बंद हो जावे, तो डॉक्टर घोषित कर देते हैं कि ये मनुष्य अब मुर्दा है, अब इसके मृत्यु हो चुकी। डेथ इज डिक्लेयर्ड, सर्टिफिकेट इज साइंड दैट दिस पर्सन डाइड एट दिस पर्टिकुलर टाइम, मर गया ये। किस शक्ति से तुम्हारे अंदर श्वास चल रहे हैं? जिस शक्ति से श्वास चल रहे हैं उसको हम कहते हैं प्राण शक्ति। वही प्राण शक्ति एक बीज में से वृक्ष को बाहर निकालती। कभी सोचा आपने, कभी किया आपने ऐसे, क्या आप अपने हाथ से एक बीज जमीन में लगाओ और फिर उसको सींचो, पानी दो, खाद दो, और देखोगे फिर एक छोटी सी अंकुर उसमें से बाहर आ जाती। बीज के अंदर उस शक्ति को किसने झंकृत किया कि वो बीज के अंदर छुपा हुआ वो अंकुर बाहर आता है? छोटा सा अंकुर, दो पत्ते निकले, मासूम से, नाजुक से, लेकिन अगर आप उसकी देखभाल करते रहें तो यही छोटा सा अंकुर फिर बड़ा होकर पौधा हो जाएगा, फिर बड़ा होकर के छोटा वृक्ष हो जाएगा, फिर बड़ा होकर के बड़ा वृक्ष हो जाएगा। इसकी अनुभूति मैंने भी ली थी। वो ऐसे, जब गन्नौर में आश्रम बनाने का विचार सब प्रेमी और शिष्यों ने मिलके लिया, तो गुरु पूजा का दिन था, वो फरीदाबाद में हो रही थी। जो हमारे पुराने सत्संगी प्रेमी बैठ रहे वो सब मुस्कुरा रहे हैं सबको, चूँकि वो दिन याद आ रहा है। बड़ा मस्त दिन था, गुरु पूजा हुई फरीदाबाद में, और फिर सब लोग जो है सोनीपत के आगे गन्नौर गए, और जिस एक रात पहले इतनी बारिश हो गई, कोई सड़क वड़क तो थी नहीं वहाँ पर, और कीचड़ ही कीचड़ था, तो जाएंगे अंदर कैसे? तो वहाँ के किसानों को जब मालूम हुआ कि यहाँ कोई सत्संग का कोई आयोजन जहाँ होवेगा, जहाँ कल आश्रम बनेगा उसका कुछ कार्यक्रम है आज, तो वो भाई लोग हमारे सब हरियाणा के, हमारे जो प्यारे प्यारे जाट होते ना, बड़े मस्त वाले, ये अपने ट्रैक्टर लेके आ गए, वो पीछे उनके ट्रॉले थे, लोग बैठे, मैं भी उसी में बैठी, और हम लोग वो कीचड़ पार करते करते उस जमीन तक चले गए जिस जमीन में उस दिन सबको पहला ये समझ लीजिए दर्शन होना था कि कहाँ आश्रम होने जा रहा है। तो मैंने ये सोचा यहाँ पर आज के दिन पर हम पीपल का वृक्ष जो है वो लगाएंगे। तो इतना सा पौधा था वो पीपल का वृक्ष, वृक्ष तो नहीं कह सकते, पौधा ही कहेंगे उसको, तो वो छोटे से उस पीपल के पौधे को वहाँ जमीन में लगाया और उसके थोड़ा जल वल दिया, थोड़ा प्रोटेक्शन बना दी उसकी। अब देखिए दूर दूर तक वहाँ कोई मकान तो था नहीं, ना ही हमारा कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा था, तो पूरी संभावना ये थी कि उस पौधे को या तो ज़्यादा बारिश होके वो गल जाएगा, मर जाएगा, या वहाँ हमारे नील गाय बहुत होती हैं तो नील गाय आके खा जाएंगी उसको, क्योंकि उसको तो हरा हरा कुछ दिखने चाहिए, वो भाग के जाएगी खाने के लिए, और कोई प्रोटेक्शन भी नहीं खास। लेकिन अजब बात देखिए, वो पौधा ना गला ना जला, धूप से भी नहीं जला, और पौधा जो बड़ा भी हो गया, और जहाँ धीरे धीरे आश्रम बनता गया वहीं ये पेड़ भी बड़ा होता चला गया, और आज इस समय पर इस वृक्ष को मैं इतना बड़ा देखती हूँ कि उसके नीचे लोग छाया का आनंद लेते हैं, झूला डाल के लोग झूलते हैं, कार वाले वहाँ पार्किंग करते हैं तो सुस्ता लेते हैं, लेकिन जब लगाया था तो वो इतना छोटा था कि उसको कोई छोटा बच्चा भी उखाड़ के फेंक दे, लेकिन इस समय वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसको जल्दी किए वहाँ से निकालना भी संभव नहीं। जब वो आया था तो छोटा था, लेकिन समय के साथ कितना बड़ा हो गया। किस शक्ति से ये पौधा इतना बड़ा महत्वृक्ष हो गया कि आज उसके साथ हाथी भी बांधे जा सकते हैं?
जिस शक्ति से बीज पौधा और पौधे से वृक्ष होता है, जिस शक्ति से पिता और माँ का अंश एक शिशु होता है, एक बच्चा बनता है, एक व्यक्तित्व, एक इंडिविजुअल बन जाता है, जिस शक्ति से ये सब सृजन हमारे आसपास हो रहा है और मेरा शरीर तुम्हारा शरीर जिस शक्ति से बन रहा है, इसी शक्ति को हम प्राण शक्ति, या प्राण शक्ति में भी जो क्रिया शक्ति है उसका ये सब चमत्कार। बीज से वृक्ष निकल आता है, माँ के अंडे और पिता के एक स्पर्म से एक पूरा व्यक्तित्व, एक पूरा इंसान पैदा हो जाता है। ये जो प्राण शक्ति है, ये जो क्रिया शक्ति है, ये जो चित्ती शक्ति, द इंटेलिजेंस थ्रू विच दिस ऑल क्रिएशन इज हैपनिंग। देखिए, आप बीज डालें पीपल का तो वृक्ष पीपल का होता है, बरगद का नहीं हो जाता। आप बीज तुलसी का लगाएं तो पौधा तुलसी का हो जाता है, कैक्टस का नहीं होता है। आप पौधा घृत कुमारी एलोवेरा का लगा दें तो उसमें से एलोवेरा निकलती, कोई और पौधा नहीं निकलता। तो ये कौन सी समझ काम कर रही है? चिंपैंजी का बच्चा चिंपैंजी, बंदर का बंदर, मनुष्य का मनुष्य, कुत्ते का कुत्ता, कौन सी इंटेलिजेंस काम कर रही? जिस इंटेलिजेंस से जीव जीव हो रहा है, पक्षी, पशु, मनुष्य, ए जलचर, जल में चलने वाले, जितनी मछलियां हैं, जितने और दूसरे जीव हैं, जमीन पर चलने वाले थलचर, हवा में उड़ने वाले, इन्हें हम संस्कृत में कहते हैं नभचर, हवा में उड़ने वाले हों, जमीन में चलने वाले हों, पानी में तैरने वाले हों, ये सब जीवों की जो आगे प्रोडक्टिविटी हो रही, जो आगे उनसे सृजन हो रहा है, वो सृजन जिस शक्ति से हो रहा है उसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। और ये प्राण शक्ति प्रकृति के अंतर्गत, यही प्रकृति से ये सृष्टि हो रही है। अब इस प्रकृति को कौन चला रहा है? इस प्रकृति का संवाहक कौन है? हु इज मूविंग दिस? क्योंकि प्रकृति तो जड़ है। जैसे हम ऐसा उदाहरण ले लें कि ये हाथ है, ये हाथ, ये हाथ अपने आप ऊपर आया कि मैंने ऊपर किया तो आया है? बोलो। और मैं यहाँ रखूँ तो यहाँ रहेगा, मैं कहूँ चलो यूं कर दूँ तो यूं मैं सबको लगेगा आशीर्वाद हो रहा है, तो यूं कर दूँ और यूं कर दूँ कि यूं कर दूँ जैसे चाहूँ, राइट? व्हाट इज मूविंग दिस हैंड? क्या हाथ अपने आप को खुद से हिला रहा है कि इस हाथ को मेरा मन हिला रहा है? बात को समझाने के लिए हमने अपने हाथ को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। कौन हिला रहा है इस हाथ को? तुमने देखा कभी कभी छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं ना माँ बाप, तो वो क्या करते हैं, कपड़ा मुंह पे डाल लिया और कपड़ा हिलाते हैं और बच्चा खूब हंसता है, उसे लगता है कपड़ा अपने आप से हिल रहा है। वो जितनी जोर से कपड़ा हिलाएं वो उतनी जोर से खिलखिला के हंसता है। कपड़ा अपने आप हिल रहा है कि उसको कोई हिला रहा है? बोलो, अपने आप कैसे हिल सकता? तो शरीर तो जड़ है, हाथ तो जड़ है। अब मान लो किसी को बेहोश कर दिया जाए, क्लोरोफॉर्म सुंघा दे या कोई सेडेटिव दे दे या डॉक्टर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि बंदा बेहोश हो जाए। अब बेहोश हुए बंदे को कहो अपना हाथ उठा, उठाएगा? नहीं। अच्छा, कोई गहरी नींद में सो रहा हो और गहरी नींद में सोए हुए आदमी के पास जोर से नहीं कि उसकी नींद खुल जाए, धीरे से बोलो भैया अपना हाथ उठाओ, उठाएगा? नहीं। क्यों? उसका मन निद्रा की गोदी में है, नींद में है, नींद में है, बेहोशी में है, इसलिए हमारी आवाज़ उसके मन तक नहीं पहुंच रही, इसलिए उसका मन अपने हाथ को ऊपर उठाने का आर्डर नहीं दे रहा है। तो जो ब्रेन से स्टिमुलस निकलता है जिसकी वजह से हाथ हिलता है, उस दिमाग को काम में लाने का ऑर्डर भी मन देता। तो ये सारी प्रकृति जिस मन से चल रही है, उसी मन को हम शास्त्रीय भाषा में महतत्व कहते हैं, द बिग माइंड।